नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं, आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहली बात क्या है, इस टॉपिक में क्या क्या सारी चीजें हम लोग सीखेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने इससे पहले मैंने 15-20 वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, जिसमें से ये जो वीडियो थी, ये वीडियो हमारी कौन सी थी, मोबाइल फोन रिपेयरिंग बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट। ये दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो दी थी, मोबाइल फोन रिपेयरिंग बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने आपको मोबाइल फोन के अंदर, ये जो हमारा मोबाइल फोन के अंदर का जो बोर्ड है, इस मोबाइल फोन के बोर्ड के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स लगे होते हैं, 14-15 तरह के पार्ट्स लगे होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, डिस्प्ले, टच, जैक, आईसी, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, आपको मैंने चेक करने का तरीका बताया। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जितने भी सारे जो हमारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के शॉप चला रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग की वर्किंग कर रहे हैं, वो लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो मैं जाहिर सी बात कहता हूं कि वो इस वीडियो के माध्यम से इतना उनको सीखने को मिला है कि जिसका जवाब नहीं। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने हम लोगों को शुक्रिया अदा किया कि सर आपने जो चीज सिखाई है बहुत अच्छी बात है। और हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान कम से कम 5-6-7 साल हो गए दुकान चलाते, लेकिन रिपेयरिंग के नाम पे वही जो छोटा मोटा काम कर लेते थे, लेकिन आज आपकी वीडियो के माध्यम से हम लोग काफी काम कर पा रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ऐसी तरीके से जो स्टूडेंट सीखते हैं आगे बढ़ते हैं, और जो ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि नहीं अगर हमको सर का सिखाने का तरीका अच्छा लगा है और जब हम वीडियो के माध्यम से इतना सब कुछ सीख पा रहे हैं तो क्यों ना एक बार हम लोग जा करके एक बार पूरा कॉन्सेप्ट ही सीख लें। इसी तरीके से आज हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका नाम अमित है, वो चित्रकूट के रहने वाले हैं, बांदा बबेरू के पास गांव उनका पड़ता है, 20-22 किलोमीटर वहां से दूर। वो पहले इससे पहले मुंबई महाराष्ट्र में एक जगह अपने भैया थे, उनको जानने वाले थे, वहां पर 8-9 महीना हो गया मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान में काम करते करते, थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, बैटरी चेंज करना बता दिया, कॉम्बो चेंज करना बता दिया, कनेक्टर चेंज करना बता दिया, बस उसी काम में लगे रहते थे। लेकिन जब से उनको ये मेरा सीरीज मिला, उन्होंने 15-18-20 वीडियो देखा, वीडियो उन्होंने कॉपी में पूरा नोट भी किया, समझा, समझने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि वो कह रहे हैं कि सर जितना मैं वहां पर 8-9 महीने में सीखने को मिला उतना सर आपकी वीडियो के माध्यम से मैं 10-12-15 दिन में सीख गया, और मदरबोर्ड को चेक करना भी सीख गया। उसके माध्यम से एक मोबाइल फोन ऐसा भी था जिसमें कैपेसिटर में दिक्कत थी, मैंने उसकी शॉर्टिंग भी निकाली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लगता है कि अब हमको ऐसा समझ में आया कि मोबाइल फोन में फॉल्ट कहाँ होता है, कैसे ठीक किया जाता है। लेकिन सर्किट के बारे में नॉलेज फिलहाल न होने के कारण से उन्होंने आज ही मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है। इसी तरीके से और भी स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो के माध्यम से सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको अच्छा लगता है तो कोर्स को ज्वाइन करते हैं। चलिए सबसे पहली बार आज हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, मैं आप ही लोगों के लिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने मुझे बोला है कि सर आपने मुझे जो बेसिक सिखाया समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप बताइए। तो प्रैक्टिकली बताने के लिए मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूं कि जो आज तक उन लोगों ने कभी आयरन नहीं पकड़ा, हॉटगन का यूज नहीं किया, कभी चिमटी नहीं यूज किया, मोबाइल फोन के टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज सर मैं आपको जो वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप इतना कुछ सीख जाएंगे जिसका जवाब नहीं। जितना लोग सर जी 10-12 हजार रुपया 15 हजार रुपया लेकर के भी नहीं सिखाते, उससे 4 गुना नॉलेज तो मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा, जिससे आपको काम करना आ जाएगा, काम करने का आइडिया लग जाएगा, काम करने का तो तरीका पता चलेगा, और आपको ये लगेगा कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से रिपेयरिंग करी जाती है। तो चलिए दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये मैं आगे का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, आप आगे का टॉपिक कह सकते हैं, आगे का हमारा सीरीज कह सकते हैं, आज हम लोग जो लेकर के आए मोबाइल फोन बेसिक प्रैक्टिकल रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन बेसिक प्रैक्टिकल। बेसिक प्रैक्टिकल का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर रिपेयरिंग करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है। भाई हमने किसी चीज के बारे में देख लिया, मोटरसाइकिल को चलाना समझ लिया, मोटरसाइकिल में इतने गियर होते हैं, आप उसको चलाएंगे कैसे, उसको चलाते हुए देखेंगे, उसको करते हुए देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा, जब आप करते हुए देखते हो तो आप भी उसी तरीके से करते हो। जिंदगी में कहते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्त जो देख देख के ही सीखे जाते हैं, क्या होता है, देख देख के सीखा जाता है। उसका क्या होता है, उसका मेन सूत्रधार जो होता है वो उसका क्या होता है दोस्त,
प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है मोटी भाषा में देखना बराबर सीखना। हमारे गुरुजी, हमारे सर जी हमको समझाते थे देखना बराबर सीखना। देखना बराबर सीखने का मतलब होता है हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद क्या करते हैं, सीखते हैं। जो देखने के बाद में सीखा जाता है उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, प्रैक्टिकल बोलते हैं। और प्रैक्टिकल का मतलब होता है ये काम हमको खुद करना होता है। क्या करना होता है, ये काम हमको सेंड कर दीजिए, ये काम हमको क्या करना होता है, खुद करना होता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को ठीक करने के लिए, मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने के लिए, मोबाइल फोन में काम करने के लिए जी, मोबाइल फोन में काम करने के लिए हम लोग उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब देखना बराबर सीखना, कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसको काम करते हैं। और ये सब चीज जब हमको तौर तरीका पता चल जाता है तभी हमको प्रैक्टिकली आता है। और प्रैक्टिकली आता है तो दोस्त हमारा हाथ मजबूत होता है, हमारी हिम्मत मजबूत होती है, हमको काम करने का तरीका आता है। आज दोस्त लोग मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन की रिपेयरिंग दुकान कई साल से चला रहे हैं लेकिन दुकान खोले बैठे हुए हैं, काउंटर सजाए बैठे हुए हैं, मोबाइल फोन सजी हुई है, मार्केट पूरा लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन जब मोबाइल फोन हाथ में आता है तो मोबाइल फोन को क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे देखते हैं और बस कहते हैं बस बन जाएगा, अभी लड़का नहीं है मेरे पास, अभी रख जाइए, अभी लड़का है वो मोबाइल फोन बना देगा। ये काम करते हैं। क्यों लड़का नहीं है दोस्त, उनको नॉलेज नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 70% ऐसे मोबाइल फोन के लाइन में दुकानदार हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन में सिर्फ किसी लड़के के सहारे हैं, किसी के सहारे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, हाथ पैर मजबूत सब कुछ, विकलांग नहीं, अबाइज नहीं है, लेकिन बस दोस्त कमी है ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें उस चीज को देखा नहीं है तो उस चीज को उन्होंने सीखा नहीं है। तो आज दोस्तों जो मैं प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर आया हूं वो मैं आपको देखना और सीखना दोनों के ऊपर लेकर आया हूं कि अगर आप देखोगे और आप सीखोगे ये बात 100% श्योर है। अगर हमारी बात कोई कहने पर कभी बुरी लगती है तो सर कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप मनी मन चार गाली दे लीजिएगा, लेकिन इतना बात कहता हूं कि जो वीडियो देखोगे तो उस वीडियो के माध्यम से दोस्त आप कुछ सीखोगे। और एक नॉलेजेबल वीडियो है जो ये वीडियो मैं आपको देता हूं, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल फोन के लाइन में ये मैसेज करते हैं मुझे कि सर हम ये काम नहीं कर पाते, हम ये काम नहीं कर पाते। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग आपको मैसेज सुनाऊंगा, वो ऐसा मैसेज सुनाऊंगा कि जो ऐसे बच्चे हैं जो ये मैसेज करते हैं कि उनके पास किसी कारण से पैसा नहीं है, धन नहीं है, अभाव है किसी कारण से, लेकिन वो सीखना चाहते हैं। किसी दुकान पर जाते हैं तो कोई उनको दुकान पर रखता नहीं है, मोबाइल फोन का काम तौर तरीका नहीं बताता, तो वो लोग परेशान होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, गूगल यूट्यूब में ढूंढते हैं। जब गूगल यूट्यूब में ढूंढते हैं तो उनको ऐसी वीडियो मिलती है, तो ऐसी वीडियो के माध्यम से उनको बड़ा हेल्पफुल होता है, वो हमारी वीडियो से सीखते हैं, समझते हैं, यहाँ तक कि हमारे फोटो को डीपी लगाते हैं और उस चीज को हमको खुद ऑडियो मैसेज करते हैं कि सर आपकी वीडियो से मैंने इतना सीखा, ये सीखा, ये काम किया, ये काम किया, इस तरीके से। तो आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से सीखिए और आगे बढ़िए। चलिए चलते हैं हम आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, मोबाइल फोन बेसिक प्रैक्टिकल रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको सिखाने क्या वाला हूं। भाई ये तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहली बात क्या दोस्त, मेरा एक ही मानना है कि जब भी मैं कोई सीरीज लेकर के आया हूं, जब भी मैं आपको सीरीज लेकर के आया हूं तो ये सीरीज मैं आपके लिए वेब सीरीज की तरीके ही लेकर के आता हूं। मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज के बारे में पूरा जानकारी मिले, क्या जानकारी मिले, पूरा जानकारी मिले। तो उसी तरीके से जो मैं सीरीज लेकर के आया हूं तो सीरीज में मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, तहे दिल से ही कोशिश करता हूं कि मैं आपको उस चीज को पूरा सिखा सकूं, पूरा अच्छी तरीके से समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। इसीलिए सर मैं उसके 15-20 पार्ट लेकर के आता हूं, वो 15-20 पार्ट से आपको सीखने को मिलता है, समझ में आता है और इजीली धीरे धीरे तरीके से आप समझते हैं। अच्छा ये वीडियो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में रहेंगी तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें एक एक करके मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप उनको देखिएगा, आप उसी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। जो आपके मोबाइल फोन पे आपके पास फॉल्ट आएंगे मैं गारंटी के सर मैं कहता हूं मेरे साथ अगर आप 10-15 दिन प्रैक्टिकल करेंगे तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप मोबाइल फोन को काफी हद तक आप बनाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं, आज मैं आपका हाथ मजबूत करने वाला हूं कि कैसे आप काम करेंगे इन फ्यूचर, कैसे आप सीख करके आगे बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों मैं वीडियो में लेकर के आया हूं,
अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका पूरा ये बताता हूँ मोरल कि क्या क्या सारी चीजें हैं जो हम आपको सिखाने वाले हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग में प्रैक्टिकल के तौर पर होता क्या क्या चीजें। अब सबसे पहली बात, मोबाइल फोन में रिपेयरिंग के तौर पर देखा जाए तो ये हमारी दोस्त जो रिपेयरिंग है ये चार टुकड़ों में बटी हुई है। अगर जिसको इस चार टुकड़े में अगर मास्टर हो गया तो समझ लीजिए वो मोबाइल फोन का मास्टर हो गया, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करना आ गया उसको। अगर आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग पकड़ना है तो इन चार चीजों को पकड़ लीजिए, और ये चार चीजें अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो मैं आपको नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई हो सकता है, या आपसे कोई बेहतर कर सकता है, या एक बात और, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आए और वो मोबाइल फोन वापस नहीं जा सकता। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और ये चार चीजें क्या है, उस चार चीजों को मैं थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी जैक से संबंधित आती है। किससे संबंधित आती है? जैक से संबंधित। जैक का मतलब होता है मोबाइल फोन के अंदर जैक को कैसे चेंज किया जाता है। अब इस जैक के अंदर आपके मोबाइल फोन के अंदर बहुत तरीके से जैक आते हैं, जैसे आपके चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, सिम जैक, हैंड फ्री जैक, मेमोरी जैक, डिस्प्ले जैक, यूआई जैक, टच जैक, ईटीसी, और भी बहुत सारे, कैमरा वगैरह भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारे जैक लगे होते हैं। अगर ये जैक डैमेज हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, तो जिस कारण से आपके मोबाइल फोन में समस्या आती है। अच्छा, ये जैक खराब होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है? इस जैक खराब होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कि वो फिजिकली चीज है। फिजिकली का मतलब होता है वो लोहा प्लास्टिक से मिलकर के बनी हुई है, और जब उसका कस्टमर यूज करता है, जैसे चार्जिंग कनेक्टर है, ये चार्जिंग कनेक्टर कोई जिंदगी में परमानेंट तो है नहीं। जब आप इसमें चार्जर घुसेड़ोगे, निकालोगे लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? घिस जाएगा। जब घिस जाएगा, कट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये चार्जिंग कनेक्टर क्या करना पड़ेगा? हमको नया डालना पड़ेगा। जब चार्जिंग कनेक्टर नया डालना पड़ेगा तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जैक चेंजिंग में आ जाता है, और इस चीज को हम लोग चेंज करना सीखेंगे, और हम आपको एक एक करके इन सब चीजों के ऊपर आपको पार्ट बाय पार्ट मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली वीडियो मैं आपको दूंगा, ताकि आप उन वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हैं। जब आपको जैक पे काम करना आ जाएगा, तो जैक पे काम करने के बाद फिर आपको अगला काम आता है काम्बो। आपने देखा होगा हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, जितने भी स्मार्ट मोबाइल फोन आते हैं, तो इस मोबाइल फोन के अंदर सबसे ज्यादा खराब होने की जो समस्या आती है वो हमारा काम्बो के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? काम्बो, कि हमारे मोबाइल फोन का काम्बो खराब हो जाता है, हमारे मोबाइल फोन का डिस्प्ले खराब हो जाता है, हमारे मोबाइल फोन में से टच काम करना बंद कर देती है, टच टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, ग्लास चेंज करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो काम्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो हम लोग यहाँ पर चेक करना सीखेंगे। क्या चेक करना सीखेंगे? कि जैसे मोबाइल फोन में नया काम्बो कैसे डाला जाता है, नया काम्बो को इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन के अंदर ग्लास कैसे चेंज किया जाता है, मोबाइल फोन के अंदर टच कैसे डाला जाता है, मोबाइल फोन के अंदर पोलराइज फिल्म कैसे चेंज करी जाती है, ग्राफिक फिल्म भी इसको कहते हैं, पोलराइज फिल्म कैसे चेंज करी जाती है, या मोबाइल फोन के अंदर जो लाइट खराब हो जाती है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, या मोबाइल फोन के अंदर कटिंग कैसे करी जाती है। कटिंग को अगर मोटी भाषा में बोलेंगे तो मतलब डिस्प्ले टच जो होती है उसको जो मशीन आती है, सेपरेटर मशीन आती है, उससे कटिंग करना, उसे कैसे कटिंग किया जाता है, ग्लू रिमूवर का कैसे यूज किया जाता है, ग्लू रिमूवर जो मोटर आती है जिसके माध्यम से हम लोग साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसका कैसे यूज करेंगे, उसका किस तरीके से प्रॉपर यूज करने का सही तरीका क्या होता है। दूसरी बात क्या है, ओसीए मशीन का कैसे यूज किया जाता है, ओसीए मशीन से डिस्प्ले टच को आपस में चिपकाया कैसे जाता है। इन सब चीजों के ऊपर टॉपिक ऊपर मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। इसमें अगर आप टॉपिक कैलकुलेट करेंगे तो एक टॉपिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा,
और आठवां हो जाएगा। अगर आपको इतने काम आते हैं तो आप डिस्प्ले के तो वैसे ही मास्टर हो जाएंगे। तो कैसे उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, रिपेयरिंग करने का टेक्निक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप काम्बो का काम आपको आ जाएगा, डिस्प्ले रिपेयरिंग का काम आ जाएगा इन सब चीजों के ऊपर। ये मैंने आपको जैक के बारे में बताया, ये मैंने काम्बो के ऊपर बताया। अब मैं आपको बताता हूं मदरबोर्ड में काम करने के लिए आपको सर्किट में काम कैसे करते हैं। सर्किट का मतलब होता है पीसीबी को रिपेयर कैसे किया जाता है। पीसीबी को रिपेयर करने का मतलब होता है उसके अंदर जम्पर कैसे लगाए जाते हैं, उसके अंदर सप्लाई कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर प्रिंट जम्पर कैसे लगाए जाते हैं, ट्रैक जम्पर कैसे बनाए जाते हैं, कोई भी सर्किट जल जाता है तो उस सर्किट जले हुए सर्किट को रिपेयर कैसे किया जाता है, माइक्रो जम्पर कैसे लगाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको सर्किट को मतलब मदरबोर्ड को कैसे ठीक किया जाएगा, मदरबोर्ड में आयरन से काम कैसे किया जाएगा, ये सारा सब कुछ दोस्त मैं आपको सर्किट रिपेयरिंग में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मोबाइल फोन में आईसी वर्किंग। मोबाइल फोन में हम लोग आईसी पे काम कैसे करेंगे, आईसी पे काम करने का तरीका क्या होता है, आईसी पे काम करने का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आईसी को रिवॉल्व किया जाएगा, कैसे मोबाइल फोन में आईसी को लगाया जाएगा, मोबाइल फोन में आईसी को बोर्ड में कैसे चेंज किया जाता है, आईसी के इनपुट आउटपुट को कैसे चेक किया जाता है, किस तरीके से आईसी मोबाइल फोन में काम करती है, मोबाइल फोन के अंदर नॉर्मल आईसी हो गई, पेस्टेड आईसी हो गई, डुअल डेकर हो गया, तो इस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर आईसी से संबंधित जितने सारी प्रॉब्लम आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम को हम लोग रिपेयर करना सीखेंगे। अगर कुल मिलाकर के अगर आप मोटी भाषा में बात करेंगे तो हम लोग बोर्ड के अंदर फिजिकली प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, बोर्ड के अंदर फिजिकली प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, मतलब हमारे पास जो मोबाइल फोन का बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर जो फिजिकली समस्या आती है, उन फिजिकली समस्या को कैसे रिपेयर करेंगे, फिजिकली समस्याओं को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, या फिजिकली समस्याओं को रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर दोस्तों मैं आपको ये वीडियो लेकर के आया हूं। ये हमारा जो वीडियो चलेगा ये 20 से 25 दिन का क्लास है। अगर आप 20 से 25 दिन का क्लास लगातार देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में आपको बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा, बहुत सारा जानकारी हो जाएगा। ये जितनी भी सारी क्लास है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास मिलेगी, और एक एक करके क्लास के माध्यम से मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का तौर तरीका ये सारा सब कुछ आप सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक एक करके इनको समझिएगा, और जब इनके ऊपर जब आपको वीडियो मिलेगी तो उस वीडियो को प्रॉपर आपको वॉच करना है, वीडियो को देखना है, वीडियो को देखने के बाद फिर आपको उसी तरीके से करने की कोशिश करना है, ताकि आपको बहुत सारा बेहतर एक एक्सपीरियंस मिलेगा, काम करने का तरीका पता चलेगा, तौर तरीका पता चलेगा। अब चलिए जितना भी सारा काम है, ये सारा काम दोस्त है तो पूरा प्रैक्टिकली, जब सारा काम पूरा दोस्त प्रैक्टिकली है तो इस काम को करने के लिए हमारे पास एक बात और चीज है कि इसमें कॉपी पेन से काम नहीं चलने वाला, इसमें जो भी सारा काम है वो किससे होगा, टूल से होगा, किससे होगा, टूल से, क्योंकि भाई आप कोई पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए कॉपी पेन चाहिए, कॉपी पेन टूल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। अब वो कौन कौन से टूल्स होने वाले हैं, आज दोस्तों मैं वो सारे टूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो इस तरीके से मेरे बताए हुए तौर तरीके से 10 से 12 टूल खरीद लीजिए। 10 से 12 टूल खरीदने में आप इतना काम करना सीख जाएंगे जिसका जवाब नहीं। उसके बाद और भी सारे टूल्स आते हैं, मैं आपको वो टूल्स भी दिखाता हूं, ताकि उन टूल्स के माध्यम से आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम कर पाएंगे। और अच्छा, वो प्रोफेशनल तरीके से जब काम करना है तो उन सब चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बेसिक जो आपको सिखाने वाला हूं, जिसका लोग कई गुना मोटा फीस चार्ज करते हैं, उतना सारा नॉलेज मैं आपको फ्री में ऐसे ही देने वाला हूं, वो सिखाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिलनी चाहिए कि काम करने का तौर तरीका सब कुछ पता चलना चाहिए।
दूसरी बात क्या, इसी माध्यम से आपको हमारा सिखाने का तरीका पता चलता है, हमारा सिखाने का स्टाइल पता चलता है, और जब आप आ करके सीखेंगे तो आपको इससे और कई गुना बेहतर नॉलेज आपको सीखने को मिलती है। चलो चलते हैं, ये सारा टॉपिक तो हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए, हमारे पास संसाधन कौन कौन से होने चाहिए। जब टूल्स होंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें तो आप लोग अपने कॉपी में सब लोग नोट कर लीजिए। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला, मोबाइल फोन बेसिक प्रैक्टिकल रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें देखना बराबर सीखना। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको सीरीज लेकर आया हूं।